नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। तीन दिन पूर्व रिक्शा थाना क्षेत्र से लापता दूध व्यवसायी का शव जस्सीडी थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव के जंगल से बरामद किया गया है। नवाड़ी गांव का निवासी 30 वर्षीय उपेंद्र यादव कांवरिया पथ में भूत बंगला से लेकर दुम्मा बॉर्डर तक दुकान में डायरी का दूध बेचने का काम करता था। मंगलवार को इसी कार्य में यह लगा हुआ था और अचानक गायब हो गया। काफी खोजबीन करने के बाद भी इसका कोई पता नहीं लगाया जा सका। आखिरकार आज बिशनपुर गांव के समीप इसका शव और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। सूचना परिजनों को दे दी गई है और परिजनों ने शव की शिनाख्त की। उपेंद्र यादव का एक बेटा जो कि 4 साल का है और एक बेटी जो कि 2 साल की है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। सबके शरीर पर चोट के निशान हैं, ऐसे में प्रथम दृष्टि यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। फिलहाल देवघर डीएसपी और जस्सीडी इंस्पेक्टर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। अनुसंधान के उपरांत चीजें स्पष्ट हो पाएगी। रिक्शा थाने के रहते हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।